मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो समझ लेना, ठीक है? शुक्रान, 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 शुक्रान। क्या हुआ? बसरी, बसरी, जल्दी आओ। हुआ शुक्रान, क्या? शुक्रान, शुक्रान। क्या हुआ? शुक्रान, बेटा। शुक्रान, 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 बेटा। शुक्रान। जल्दी आओ, दरवाजा खोलो ऐसे। दरवाजा खोलोगी? से बात करनी है। आइए, प्लीज आइए, आपका स्वागत है। चलो गार्डन में चलते हैं, हम वही बात करेंगे। प्लीज आइए आप, यहां कोई बाहर के लोग नहीं है। Thank you.
मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, कादिरोल शेख। आपके पुराने दामाद। अहमद, इसका मतलब क्या है? इसका कोई मतलब नहीं है मिस्टर हायरी। कादिर टीचर अकेले में बात करना चाहते थे और मैंने उन्हें यहाँ इनवाइट कर लिया ताकि हम लोग एक दूसरे को जान ले। हाँ, हम जानते हैं। मैं यहां आपको यह बताने आया था कि मैं कौन हूं, लेकिन आपके तो कुछ और ही इरादे थे टीचर अहमद। आपको लगा था इस तरह सबके सामने मुझे बेइज्जत करके मेरा चेहरा सामने लाएंगे, है ना? मुझे इन लोगों के सामने लाकर मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता, इसलिए मैं यहां आया था। लेकिन ये लोग जिन्हें आप अपनी फैमिली कहते हैं, मुझे तुम में से किसी की कोई बात नहीं सुननी है। हायरी, मिस्टर कादिर, आप बोलिए। आप सच जानना चाहते हैं? आपने ये सब खेल खेला और इतनी तरकीबें लगाई, तो अब मैं सच बताता हूं। हाँ, मैं ही फातिमा नूर से शादी करने वाला था। लेकिन इन लोगों ने ऐसा होने नहीं दिया। अब तुम इनके दामाद हो, तुम ही अच्छे लगते हो यहां इन लोगों में। तुम ये सब कर क्या रहे हो? अपनी नई फैमिली को समझने की कोशिश कर रहा है। ये सब कादिर से शुरू हुआ था ना, तो फिर ठीक है, अहमद को सारी सच्चाई पता होनी चाहिए पापा। ठीक है, फिर तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? फातिमा नूर, निहाद, होश में आओ तुम लोग। अब मैंने क्या किया है? तुम शांत रहोगे? तुम्हें जानना था कि आखिरी आदमी है कौन, तो हमसे आकर पूछते। हमसे क्यों नहीं पूछा ये सब नाटक क्यों? हम तुमसे झूठ नहीं बोलते, एक बार पूछ के तो देखते। पूरा दिन खराब कर दिया हमारा। नूरान, चलो चलें, अब यहां कोई नहीं रुकेगा। निहात, सनाए, चलो घर चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सच में आज तो कमाल का ब्रेकफास्ट खिलाया आपने। कादिर बेटा, कहाँ हो तुम? उसने मुझसे झूठ बोला भैया, उसने हमें आपस में मिलवा दिया। फातिमा नूर के परिवार को भी बुलाया था। मैं इन झूठे और मक्कार लोगों की साजिशों से तंग आ चुका हूँ भैया, सच में। कादिर, मैं थक गया हूँ भैया। वो लोग झूठे हैं, उनके इमोशंस भी झूठे, इरादे भी बहुत गलत हैं। ये लोग मुझसे चाहते क्या हैं भैया? कादिर,
बेटा मेरी बात सुनो, तुम परेशान हो मैं जानता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता हूँ। कादिर तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। मैं बस रास्ते में ही हूँ भैया। आप कहाँ हैं? हम लोग हॉस्पिटल में हैं। हॉस्पिटल? क्या हुआ? शुक्रान। क्या हुआ शुक्रान को? कौन सा हॉस्पिटल? ठीक है मैं पहुंचता हूँ। मुझे कब बताने वाली थी? फातिमा नूर, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। उस रात जब भैया आए थे, उससे एक दिन पहले और उससे एक दिन पहले, शायद उससे भी पहले, लेकिन मैं बता नहीं सकी। मैं सच्चाई नहीं बता सकी। मैंने कई बार कोशिश की हिम्मत। तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझसे झूठ बोला है। मैंने कोई धोखा नहीं दिया है, इसमें कुछ झूठ नहीं था। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता, तुमने अपने मुंह से झूठ बोला है, और मुझे पता है क्यों। तुम अब भी उस आदमी से प्यार करती हो। मैंने देखा है फातिमा नूर, मैंने तुम्हें उसके घर में जाते हुए भी देखा है। उसे देखकर खुश होती हो, लेकिन मुझे देखकर क्यों नहीं? अहमद, तुम गलत समझ रहे हो। मैं वहां सुकरान के लिए गई थी। तुम अब भी झूठ क्यों बोल रही हो फातिमा नूर? ये सब बहाने हैं। तुम्हारी खुशी तो उस आदमी के साथ है ना? तुम्हें लगता है मुझे कुछ पता नहीं? मैं कसम खाती हूँ अहमद, मैं वहां सुकरान के लिए गई थी। ऐसा है क्या? तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने क्यों कहा कि तुम शॉपिंग के लिए गई थी? एक मिनट, तुम मुझे फॉलो कर रहे थे? पॉइंट ये नहीं है, तुमने मेरी क्या हालत बना दी है। हम देखो मेरी तरफ, मैं ये सब क्या कर रहा हूं फातिमा नूर? मैं पहले ऐसा कभी नहीं था जैसा अब हो गया हूं। मैं होश खो चुका हूं, समझी तुम? मैं खुद को पहचान तक नहीं रहा, तुम्हारी वजह से ऐसा बन गया हूं। तुम्हारे झूठ की वजह से फातिमा नूर। बताओ मैंने क्या किया? ठीक है निहाद, इस बात को खत्म करते हैं ना। अगर कोई गलत है तो वो मैं हूँ, है ना? तुम सही कह रहे हो, लेकिन वो अभी दुखी है और वो सही है। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया जनाए? मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या तुम अब इस घर में जाना चाहती हो? एक्चुअली अभी तो नहीं। तो फिर अंदर बैठो। क्या? मैंने कहा कार में बैठो। सनाए, हमें इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। हम क्यों चिंता करें कौन क्या कहता है? वैसे तुम सही कह रहे हो सेना, उनके गुस्से वाले चेहरे देखने से अच्छा हम कहीं चलकर एंजॉय करते हैं ना। चलो ठीक है, बहुत अच्छा प्लान है। आ जाओ। भैया कादिर, सुकरान कहाँ है? ये सब अचानक से हो गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुकरान है कहाँ? बेटा वो अंदर है। कहाँ है भैया सुकरान, कहाँ ले गए? उसका उसे? ध्यान रख रहे हैं, बस अंदर नहीं जाने दे रहे। क्या मतलब अंदर नहीं जाने दे रहे? सुकरान डर गई होगी भैया।
एक्सक्यूज मी मिस। जी कहिए। मेरी बेटी सुकरान यहाँ है, मुझे उससे मिलना है। मुझे पता नहीं मिस्टर, वो लोग आपको बता पाएंगे। फिर किसे पता होगा, मैं उसका पापा हूँ। आपको जल्दी ही सब पता चल जाएगा। आप मुझे नहीं बता सकती अब। मिस्टर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप यहाँ अंदर नहीं आ सकते, आप बाहर जाइए। मिस्टर मेरी बेटी है यहाँ। आप समझते क्यों नहीं, आप नहीं जा सकते। प्लीज मिस्टर आप यहाँ नहीं आ सकते। मिस्टर मिस्टर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, यहाँ मेरी बेटी है। ठीक है आप पहले शांत हो जाइए। क्या आप इस बच्चे के रिलेटिव हैं? हाँ। अच्छा वो आपकी बेटी है। देखिए हम अभी कुछ टेस्ट कर रहे हैं और ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसे एग्जैक्टली हुआ क्या है। नहीं मुझे उससे मिलना है। हाँ बिल्कुल आप उससे मिल सकते हैं, लेकिन ये पता करने के बाद कि उसे एग्जैक्टली हुआ क्या है। प्लीज आप बाहर जाइए, मैं आपको खुद बताऊंगी। थोड़ा सा सब्र रखिए प्लीज, आई प्रॉमिस प्लीज। शुक्रिया। काश हमने तुम्हारी बात सुन ली होती। आपको कैसे पता होता भैया, सब कुछ एक साथ ही हुआ है। ये अंदर इतनी देर से क्या कर रहे हैं? ऊपर वाले मेरी शुक्रान को बचा लो। मुझे नहीं पता। चिंता मत कीजिए सुक्रान ठीक है, उसकी बेहोश होने की कई वजह हो सकती है, हम सब वही देख रहे हैं। हमने एक जनरल टेस्ट किया है और उसमें कोई वजह नहीं मिली, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं। घबराइए मत, वो बिल्कुल ठीक है। क्या अब हम उसे देख सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको उसे जरूर मिलाऊंगी। आइए। मेरी बच्ची सुकरान, तुम ठीक हो बेटा? तुम ठीक हो? अब तुम्हें ठीक लग रहा है ना बेटा? दर्द हो रहा है? डर लग रहा है तुम्हें? डरना मत ठीक है। देखो मैं यही हूं, ये इस दीदी ने इसलिए लगाया है ताकि तुम्हें क्या हुआ है ये पता चल सके, तुम्हें ठीक होने में हेल्प कर सके। ठीक है ओके, अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। अब मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मैं तुम्हारे पास हूं, बिल्कुल डरना मत। ये क्या लगाया है उन्होंने? मैं उनसे कह दूंगा मुझे भी एक लगा दो, बोल दो। क्यों मैं क्यों नहीं लगा सकता? हाँ तुम्हारी तरह हाँ? तुम तो मेरी स्वीट हार्ट हो, मेरी प्यारी बच्ची हाँ? मेरी एंजल हो तुम हाँ? बहुत अच्छी बेटी हो तुम, बहुत ही प्यारी बेटी। गधे कहेंगे, मैं अभी आता हूं, मेरा यही इंतजार करना, कहीं जाना मत। रुस्तम वाह 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 ऐसी जगह पर तुम्हें देखकर बहुत अजीब लग रहा है।
चले जाओ यहां से। ओ, इसका मतलब कोई बड़ी परेशानी है। क्या हुआ है? तुम अपने काम से काम रखो। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरा दिल दुखा रहे हो तुम ऐसा बोलकर मुझे। मैं तो तुमसे इंसानियत के नाते पूछ रहा हूं। बताओ मुझे, तुम मेरे भाई हो, बताओ मुझे, तुम पक्का किसी मुसीबत में नहीं हो ना? अगर कोई मुसीबत है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारा भाई हूं। मेरी फातिमा नूर से लड़ाई हो गई। क्यों? क्या तुम बताओगे मुझे? हमारे स्कूल में कादिर नाम का एक आदमी है। तो क्या हुआ उसे? खैर छोड़ो, बहुत लंबी कहानी है। अरे अरे अरे, बताओ मुझे भाई, बताओ। पहले उस आदमी के साथ फातिमा नूर का रिश्ता था। मुझे अभी पता चला कि ये कादिर वही कादिर है। मुझे छोड़कर सबको ये पता था, उन्होंने मुझसे सब छुपाया। किसे पता था? फातिमा नूर, फातिमा नूर की फैमिली। उन्होंने मुझे नहीं बताया, उन्होंने सारी चीजें छुपाई। उन्होंने क्या छुपाया तुमसे मेरे भाई? क्या नहीं बताया तुम्हें? तुम एक मर्द की तरह बात करो और मुझे सब कुछ सच बताओ। क्या क्या छुपाया उन लोगों ने तुमसे? बस यही बात थी और कुछ नहीं है, समझे तुम? बस मुझे तो कोई और बात लग रही है। फातिमा नूर ने मुझसे झूठ बोला, तुम्हें और क्या चाहिए आरिफ? बस इतना ही? इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो मेरे भाई? ये तो छोटी सी बात है। उन सब ने मुझे बेवकूफ बनाया है। इसमें गलत क्या है? तुमने भी तो उन्हें बेवकूफ बनाया है। तुमने उन सब से झूठ कहा और इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई? क्या ये छोटी बात है? मैं उस आदमी के साथ एक ही स्कूल में हूं। फातिमा नूर की उससे बस शादी होने ही वाली थी। अच्छा, तो इसीलिए हमें तलाक ले लेना चाहिए। हम बस समय बर्बाद कर रहे हैं। तलाक? क्या तलाक? तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्या फातिमा नूर ने तुमसे शादी नहीं की? क्या वो तुमसे प्यार नहीं करती है? करती है ना? तुम वहां पर अपनी बीवी के लिए रहो। तुम किसी भी आदमी को अपनी पत्नी को बहकाने नहीं दे सकते। हाँ, क्या तुम अकेले रहोगे अपनी पूरी जिंदगी? तुम उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हो अपनी जिंदगी से? लड़कियां ऐसे आदमियों से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है जो उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं देते अपनी जिंदगी में। अगर तुम ऐसा करोगे तो वो क्या करेगी? हाँ, तुम उसके पास जाओ और आंखों में आंखें डालकर कहो तुम मेरी बीवी हो। एक मर्द की तरह बोलना वहां जाकर। MRI स्कैन के बाद हम उन्हें यहाँ ले आएंगे। उसे सुलाना जरूरी है क्या? अनफॉर्चुनेटली हमें उसे सुलाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना, बच्चे बहुत ज्यादा मूव करते हैं। ठीक है, प्लीज डोंट वरी, इनके जैसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं। आप जाइए बैठिए। हेलो बेटा। देखो इन लोगों ने तुम्हारे हाथ में क्या लगाया है। अब वो इस ट्यूब में जादुई दवाई डालेंगे और ये धीरे धीरे अंदर जाएगी यहां से। हाँ, तुम्हें पता है इससे क्या होगा? मैंने
तुम्हें वो स्लीपिंग ब्यूटी वाली कहानी सुनाई थी याद है तुम्हें? याद है? इससे तुम बिल्कुल उसकी तरह सो जाओगी। फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा और कहूंगा, उठो मेरी प्यारी सी बच्ची, और तुम्हें किस करूंगा, फिर तुम उठ जाओगी। जब तुम उठ जाओगी तब हम घर चलेंगे, ठीक है? ये देखिए, मैं उसे दवाई दे रही हूं। उसने इस दवाई से ड्रैगन को हराया था। अपनी बेटी सुकरान को ढूंढने के लिए उसके पापा एक दरवाजे पर आए और उन्होंने वहां कुछ देखा। क्या देखा? एक परी, ठीक है? फिर राजा ने कहा, ये परी प्रिंसेस सुकरान को जगाने में मेरी मदद करेगी। और उसने परी से पूछा, अंदर एक राजकुमारी है और वो एक प्यारी सी छोटी बच्ची है और मैं उसका पापा हूं। हमने उसे उसके सपने को सबसे प्यारे सपने बनाने के लिए एक दवाई दी थी, लेकिन अब उसे जागना होगा। क्या आप मुझे दरवाजा खोलने देंगे और उसके प्यार से गालों को किस करने देंगे? परी ने सोचा और कहा, हमने उसके साथ बहुत खेल लिया है, जब वो उठेगी तो अपने घर जाएगी और उसका इंतजार करने वाली सभी परियां कितनी परेशान होंगी। ये सुनकर उसके पापा को दुख हुआ और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं कल भी सुकरान को लाऊंगा और तुम अपने खेल खेल सकती हो, ठीक है? लेकिन खेलने के बाद मैं अपनी सुकरान को वापस ले जाऊंगा। उन्होंने गलत कहा क्या? ग्रेट। अब तुम देखना बेटा, हम कितनी खूबसूरत जिंदगी जिएंगे। सोई क्यों नहीं? नींद नहीं आ रही। मुझे तुमसे बात करनी है। अच्छा, ठीक है, किस बारे में बात करनी है? हमारी शादी के बारे में। हमारी शादी के बारे में बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है अहमद, तुम देख नहीं सकते। अब ये शादी नहीं चल पाएगी, हम ऐसे नहीं रह सकते। हम? मैं चला रहा हूं इसे, लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ और है तो मैं क्या कहूं, बोलो। क्या है दिमाग में? जैसे मुझे तलाक देना हो और कादिर से शादी करनी हो। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर तुमने ब्रेकअप के बारे में बात क्यों की, बोलो फातिमा नूर। तो फिर तुमने ऐसा कहा ही क्यों? अहमद, जरा हमें देखो, जरा खुद को देखो तुम। मैं? तुम कह रही हो कि मैंने, क्या मैंने ड्रिंक की है? मैंने ड्रिंक नहीं की है। अहमद, ठीक है। आई लव यू। ठीक है,
मुझे जाने दो अहमद, मुझे जाने दो, प्लीज छोड़ो मुझे। पता है मैं तुम्हें ऐसे धक्का दे सकता हूं। भी बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज ऐसा मत करो अहमद, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। मैं चाहूं तो तुम्हें किस कर सकता हूं फातिमा नूर, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। ये भूलना मत, तुम मेरी बीवी हो। भागो, छुप जाओ कहीं, सारे दरवाजे बंद कर दो। मैं सब तोड़ दूंगा, समझे तुम मेरी बात? सब कुछ शायद वो बता रही हो, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। I love you। मुझे लगा मेरा प्यार तुम्हें बदल देगा, लेकिन शायद मैं गलत था। मेरी बात सुनो, तुम जिस भी वजह से लड़ रहे हो उसका सलूशन निकल जाएगा। कोई बात नहीं, मैं सफा करता हूँ, मुझे सब जानते हैं, क्योंकि मैं अर्थन कॉलेज के ओनर का बेटा जो हूँ। तो तुम दुकान के मालिक हो? बिल्कुल सही कहा तुमने। मेरी मदद कीजिए टीचर, इसने मुझे चाकू मार दिया। क्या किया तुमने? तेरा डंग दाए, बुल्ले वांगू नचदाए।